नमस्कार, ये है टॉप न्यूज, मैं हूँ विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बड़ी खबर, उन्नाव रेप कांड में पीड़िता के पिता की हत्या के दोषी पाए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह सेंगर समेत 7 दोषियों को 10 साल की जेल की सजा के साथ साथ 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने इस मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। इससे पहले उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत सेंगर को उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। सेंगर के खिलाफ ये दूसरा केस था जिसमें आज कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी कुलदीप सिंह सेंगर ने दलील दी थी कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए और उनकी आंखों में तेजाब डाल देना चाहिए। आपको बता दें कि 3 मार्च को कुलदीप सिंह सेंगर को आपराधिक साजिश के तहत दोषी करार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि कुलदीप का हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटा गया। इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 11 आरोपी थे, इनमें से 4 को बरी कर दिया गया था। बाकी 7 को कोर्ट ने पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत का दोषी माना था। कोर्ट ने अपने आदेश में एसएचओ अशोक भदौरिया और सब इंस्पेक्टर केपी सिंह को भी दोषी ठहराया था। अभी कार एक्सीडेंट में पीड़िता के परिवार के लोगों की मौत से जुड़ी 2 एफआईआर पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कांग्रेस पार्टी के 22 बागी विधायकों को नोटिस भेजकर मिलने के लिए बुलाया है। इन विधायकों से ये स्पष्ट करने को कहा गया है कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है या दबाव में आकर। स्पीकर ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब बीजेपी ने मांग की है कि कमलनाथ सरकार सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में विश्वास मत हासिल करे। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि वो 22 विधायकों के इस्तीफे पर फैसला होने के बाद विश्वास मत के लिए तैयार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बताया कि स्पीकर ने इस्तीफा देने वाले 6 मंत्रियों सहित 22 विधायकों को नोटिस जारी किए हैं। उनका कहना था कि ये विधायक अपने इस्तीफे देने के लिए विधानसभा स्पीकर से क्यों नहीं मिल रहे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और 22 विधायकों के इस्तीफे से 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया, राज्य सरकार के अल्पमत में होने के कारण हम राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर से 16 मार्च को बहुमत परीक्षण की मांग करेंगे। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुरुवार को भोपाल में भव्य स्वागत हुआ। दिनभर की थकान के बाद गुरुवार रात सिंधिया डिनर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए खुद शिवराज गुलदस्ता थामे खड़े थे। डिनर टेबल पर शिवराज और सिंधिया के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव और यशोधरा राजे सिंधिया स्थित कुछ अन्य नेता भी मौजूद थे। इस दौरान शिवराज की पत्नी साधना सिंह ने सभी मेहमानों को अपने हाथों से बना भोजन परोसा। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी देखी जा रही हैं। एक वक्त में राजनीति में 2 अलग छोरों पर खड़े शिवराज और सिंधिया को एक साथ डिनर टेबल पर खाते देखना किसी ने ही शायद सोचा होगा, लेकिन किसी ने सही ही कहा है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दिल्ली दंगों के दौरान आर्मी क्यों नहीं बुलाई गई? गुरुवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस सवाल को लेकर पलटवार किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन का नाम लेते हुए केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। देखिए, श्रीमान केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मिलिट्री ला देनी चाहिए थी। 25 तारीख को हम 12 बजे बैठे थे जिसमें दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, केजरीवाल जी थे, नेता प्रतिपक्ष थे, विपक्ष के नेता थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, मैं भी था, दिल्ली के आयुक्त थे, होम सेक्रेटरी थे, आईबी के चीफ थे, सारे लोग बैठे थे। उस वक्त ऐसा कोई सुझाव नहीं आया था। 27 तारीख को उन्होंने कहा कि मिलिट्री बुला लीजिए, तब दंगा शांत हो चुका था। 25 की रात को 11 बजे दंगा शांत हो गया। अब इसको पॉलिटिकल ही बोलते जाना कि भाई मिलिट्री क्यों नहीं लाए, मिलिट्री क्यों नहीं लाए, मिलिट्री क्यों नहीं लाए, तब तो मुझे सुनना पड़ेगा, डेमोक्रेसी है। मगर इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड पर दंगा 25 तारीख की रात को शांत हो गया। उनकी बड़ी आवाज को भी मैं समझ सकता हूं, उनकी इमोशन को भी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनके काउंसिलर के घर से ढेर सारी चीजें पकड़ी गई, उनको सस्पेंड करना पड़ा। मैं पूरे भाषण को पॉलिटिकल करना नहीं चाहता, मगर इतना पॉलिटिकल जब आप बोलोगे भाई तो मुझे भी स्पष्टता। लंबे समय से फिल्म सूर्यवंशी का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बुरी खबर है। दरअसल देश भर में फैले कोरोना वायरस के डर के कारण फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है।
इसकी जानकारी खुद फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर दी। अक्षय ने टीम सूर्यवंशी का एक मैसेज को ट्विटर पर शेयर किया। इसमें लिखा है, सूर्यवंशी एक ऐसा अनुभव है जिसे हमने एक साल की डेडिकेशन और हार्ड वर्क के बाद आपके लिए तैयार किया। ट्रेलर को जो रिस्पॉन्स मिला वो इलेक्ट्रिफाइंग था और इससे साफ था कि फिल्म पूरी तरह से ऑडियंस के लिए है। मैसेज में आगे लिखा है कि हम भी आपकी तरह फिल्म को लेकर एक्साइटेड थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण हमने निर्णय लिया है कि आपकी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया जाए। हमारे लिए हमारे प्यारे दर्शकों की हेल्थ और सेफ्टी जरूरी है। यही वजह है कि जब सही समय आएगा फिल्म वापस आएगी। सुरक्षा पहले है, तब तक के लिए एक्साइटमेंट को जिंदा रखिए, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। ये है अभी की खास खबरें और खबरों के लिए जुड़े रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का YouTube पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का Facebook पेज।